हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। ये पेपर वन का सिलेबस है और मैं इसके बारे में बात करूँगा। सो एज वी नो कि पेपर वन में वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में बात होती है, उनके पर्सपेक्टिव के बारे में बात होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला जो चैप्टर है या यूनिट है वो सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन के बारे में बात हुई है। सो इसमें सब टॉपिक अगर देखें तो मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सो अगर इसको एलोबरेट करके समझना चाहें तो मॉडर्निटी के बारे में बात हुई है कि मॉडर्निटी कैसे आती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आती है और कॉमर्शियल रेवोल्यूशन, तो तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स से मॉडर्निटी आती है। उसके बाद इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी का इमर्जेंस कैसे हुआ यूरोप में, उसके बारे में बात होती है। जैसे कि जब बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा, अगर इसका सब टॉपिक की बात करें तो स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंस। इट मींस हियर वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट। देन थर्ड सब टॉपिक इज सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस के डिफरेंस के बारे में बात होगी। फिर यूनिट टू में हम बात करेंगे सोशियोलॉजी एज ए साइंस, देन कि मतलब सोशियोलॉजी साइंस कैसे है, तो इसके पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो एडवांटेज इसको होगा और इसके अगेंस्ट में बात करेंगे। फिर कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्रिटिक किया है, मतलब सोशियोलॉजिस्ट ने क्रिटिक किया है इसके बारे में, तो वही चीज़ है। फिर थर्ड में बात करेंगे, थर्ड यूनिट में रिसर्च मेथड एंड एनालिसिस के बारे में। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फोर्थ यूनिट, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, ये है आपका वेस्टर्न थिंकर्स का टॉपिक। तो वेस्टर्न थिंकर्स में हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, एमाइल डर्खाइम के बारे में, मैक्स वेबर के बारे में, टालकट पार्सन के बारे में, रॉबर्ट के मर्टन के बारे में बात करेंगे, मीट के बारे में बात करेंगे। और फिफ्थ यूनिट में स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी है। इसमें कंसेप्ट छोटे छोटे हैं, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, हायरार्की, एक्सक्लूजन, पावर्टी एंड ऑल दीज, उसके डायमेंशंस हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू सिक्स यूनिट, देन सिक्स यूनिट इज अबाउट वर्क्स एंड इकोनॉमिक लाइफ। मतलब फॉर्मल वर्क क्या होता है, इनफॉर्मल वर्क व्हाट इज़ इनफॉर्मल वर्क, लेबर, लेबर की क्या कंडीशन है, सोसाइटी में लेबर्स के बारे में क्या है। एंड द सेवेंथ यूनिट इज़ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। तो सेवेंथ यूनिट में जो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर्स के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी कितने टाइप्स की होती है, थिंकर्स ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहा, डेमोक्रेसी फंक्शनलिस्ट्स के पर्सपेक्टिव से क्या थी। उसी तरह अगर हम एट्थ यूनिट की बात करें तो रिलीजन एंड सोसाइटी, इसमें रिलीजन और सोसाइटी के बारे में बात होगी। देन नाइन्थ यूनिट इज ऑल रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ किनशिप, तो फैमिली, हाउस होल्ड, मैरिज, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ फैमिली, मतलब न्यूक्लियर फैमिली और तरह तरह की फैमिलीज के बारे में बात होगी। अभी तो हम लोग दो ही तीन चार जानते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ और सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से जानेंगे फैमिली कितने टाइप्स की होती है। देन टेंथ यूनिट इज लास्ट यूनिट ऑफ द पेपर वन सिलेबस, सोशल चेंजेस इन मॉडर्न सोसाइटी। तो चेंजेस क्या है मॉडर्न सोसाइटी में, जिसमें कि आपका सब टॉपिक है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ सोशल साइंस, डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, एजुकेशन एंड सोशल चेंज, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज। सो दिस इज़ द पेपर वन सिलेबस, एंड मैं पेपर टू का भी सिलेबस लाऊंगा। अगर एक में लाता तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, फिर देखने में लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, आप लोग को भी मज़ा नहीं आता। सो अगर मैं इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स दें कि क्या आप इसमें और क्या चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।